स्टार्ट करते हैं मार्केट इंफॉर्मेशन सिस्टम कॉन्सेप्ट, मतलब MIS, जिसको बताया था फिलिप्स कोटलर ने। और मिस्र को कंसिस्ट ऑफ पीपल इक्विपमेंट एंड प्रोसेस टूगेदर शॉर्ट एनालिसिस इवोल्यूएट एंड डिस्ट्रीब्यूट एक्यूरेट इंफॉर्मेशन टू द मार्केट डिजाइनिंग मार्केट। मतलब कि MIS एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहाँ पर पीपल और इक्विपमेंट और प्रोसेस एक साथ आते हैं। पीपल मतलब जो काम करने वाले होते हैं, वर्क को जो करने वाले होते हैं वो, और डिस्ट्रीब्यूट द एक्यूरेट इंफॉर्मेशन, जो भी मार्केट के बारे में वो सब एक्यूरेट इंफॉर्मेशन देते हैं, वो क्या हो गया MIS, कंपोनेंट ऑफ MIS, इंटरनल रिकॉर्ड। इंटरनल रिकॉर्ड डेटा ऑन द इंटरनल मार्केट इन्वायरमेंट सच एज अ सेल। इंटरनल रिकॉर्ड डेटा ऑन इंटरनल मार्केट इन मार्केट इन्वायरमेंट सच एज अ सेल्स और कॉस्ट। मतलब कि जो कि इंटरनल रिकॉर्ड में भी काम करता है। इंटरनल रिकॉर्ड में कौन कौन से डेटा आते हैं, जैसे कि सेल्स और कॉस्ट, जो सबको नहीं दिखाते हैं। मार्केट इंटेलिजेंस सिस्टम, मार्केट इंटेलिजेंस सिस्टम, ये क्या होता है? इंटेलिजेंस सिस्टम तो आपने सुना होगा, पर मार्केट इंटेलिजेंस सिस्टम क्या होता है वो देखते हैं। इंफॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफाइंग द मार्केट अपॉर्चुनिटी एंड द डेवलपमेंट ऑफ द मार्केट पेनिट्रेशन एंड द मार्केट डेवलपमेंट स्ट्रेटजी। ये जो मार्केट इंटेलिजेंट होता है ना, वो देखता है कि क्या अपॉर्चुनिटी है मार्केट में, किसकी ज़रूरत है, किसकी कमी चल रही है, फिर उसको एनालाइज करके वो चीज़ अपने इधर पे डेवलप करते हैं और स्ट्रेटजी बनाते हैं उसके लिए। स्ट्रेटजी मतलब प्लानिंग करते हैं, ठीक है। मार्केट रिसर्च टू सॉल्व द स्पेसिफिक मार्केट प्रॉब्लम, स्कोप, कंज्यूमर रिसर्च, प्रोड्यूसर रिसर्च, प्राइस रिसर्च, प्रमोशन रिसर्च, प्लेस रिसर्च। मार्केट रिसर्च की ज़रूरत होती है कि कोई भी स्पेसिफिक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, मतलब मेरी कोई फैक्ट्री है वहाँ पे कॉस्टिंग के लिए अगर मेरे को बनना चाहिए तो मैं क्या करूँगी, मार्केट रिसर्च करूँगी। मैं ट्राई करूँगी कम से कम पेमेंट में मैं एक अच्छा कॉस्ट कैलकुलेट करने वाला बंदा उठा लूँ और उसे अच्छे से काम कराऊँ, है कि नहीं। चलते आगे, मैं बहुत बार हाथ का मूवमेंट करना भूल जाती हूँ, सो सॉरी फॉर दैट। थोड़ा देखते रहोगे तो आपको समझ में आएगा, वीडियो कंटिन्यू कर रहे थे। मार्केट डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, स्पेशलाइजेशन इन थ्री एरिया। मार्केट जो मार्केट डिसीजन सपोर्ट सिस्टम है वो क्या स्पेशलाइज्ड होता है, मतलब कि एक स्पेशल काम के लिए बना होता है। फोकस एनालिटिकल मार्केट सपोर्ट, कंज्यूमर डेटाबेस सिस्टम और रिसर्च टेकर डेटाबेस सिस्टम। जैसा फोकस करता है मार्केट पे, एनालाइज करता है कि मार्केट को क्या सपोर्ट की ज़रूरत है, मार्केट को क्या सपोर्ट की ज़रूरत है, और कंज्यूमर का डेटाबेस सिस्टम के ऊपर ध्यान रखता है, और रिसर्च ट्रैक द डेटाबेस सिस्टम। अभी देखो कभी कभी ऐसा होता है कि कोई कोई प्रोडक्ट ऐसे अचानक ही अपन सोच रहे थे इसको लेना है और हम लोगों ने कहीं पे सर्च किया गूगल पे कि लाइक इसका प्राइस क्या होगा, या फिर वो प्रोडक्ट के बारे में सर्च किया, सो अपने को गूगल पे यूट्यूब पे वही प्रोडक्ट दिखने लगते हैं अचानक अचानक। वो किसका काम है? MIS का ही काम है, ठीक है। तो इसे ये मोबाइल अपना जादू नहीं है और अपना मित्रा भी नहीं है, ठीक है। वो बस ऐसे ही हमारे साथ यही सब धोखा चलता रहता है, देख लो। डेटा मीनिंग कॉन्सेप्ट और इम्पॉर्टेंट, डेटा मीनिंग का कॉन्सेप्ट और इम्पॉर्टेंट, ठीक है। डेटा इज अ प्रोसेस टू एक्सटर्नल यूज, इज अ प्रोसेस ऑफ एक्सटिंग यूजफुल डेटा फ्रॉम द लार्ज सेट ऑफ रॉ डेटा फॉर द पर्पस ऑफ इफेक्टिव डिजाइन मार्केटिंग इंटरप्रिटिंग। मतलब देखो ये जो डेटा मीनिंग होता है वो क्या करता है, बहुत सारे डेटा में से जो पर्पसफुल डेटा होता है, मतलब जिसका अपने को काम होता है, वो वाला डेटा क्या करता है, सिलेक्ट करके उस पर काम करता है। DIM इज़ ए प्रोसेस टू यूजिंग द कंपनीज टू टर्न रॉ डेटा इनटू द यूजफुल इंफॉर्मेशन। कंपनीज का यूज़ करता है किसके लिए, रॉ डेटा को यूजफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने के लिए। इम्पॉर्टेंस ऑफ DIM, कंज्यूमर बिहेवियर, कंज्यूमर लॉयल्टी, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। कंज्यूमर बिहेवियर
हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर. ये हेल्प करता है अगर हम लोग डेटा को सब एनालाइज करेंगे तो हमको पता चलेगा ना कि कौन सा प्रोडक्ट कितने प्राइस में जा रहा है, कौन सा प्रोडक्ट लोग ज़्यादा परचेस कर रहे हैं. बहुत सारे प्रोडक्ट कॉम्पिटिशन में भी होते हैं पर उनको छोड़ के लोग दूसरे प्रोडक्ट ज़्यादा परचेस करना पसंद करते हैं क्योंकि हो सकता है वो कॉस्ट कम हो सकता है उसकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी हो. वो समझने में क्या करता है, वो हेल्प करता है कंज्यूमर लॉयल्टी. अभी कभी कभी क्या होता है किसी कोई ऐसा प्रोडक्ट होता है ना कि ऐसा मन में आ जाता है कि लाइक उसका प्रोडक्ट है ना तो वो अच्छा ही हो. ऐसा सैमसंग का होता है ना, सैमसंग की टीवी है ना तो वो अच्छी ही है. हम किसी के घर पे जाते हैं तो बोलते हैं ये खरीदा वो खरीदा, हम क्या पूछते हैं कंपनी कौन सी है, पहले तो लिया कंपनी कौन सी है, फिर अच्छी सैमसंग सुनते हैं एलजी सुनते हैं तो बोलते हैं हाँ प्रोडक्ट अच्छा होगा. ऐसा हमें क्या उसके ऊपर लॉयल्टी है. और एक ही प्रोडक्ट अगर कोई कस्टमर एक ही कंपनी के दूसरे प्रोडक्ट भी परचेस करता है तो उसको क्या बोलते हैं कंज्यूमर लॉयल्टी, रिपीटेड परचेस होता है बहुत सारे प्रोडक्ट का. कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ड्यू टू द इफेक्टिव डिजाइनिंग मार्केट. इफेक्टिव डिजाइनिंग मार्केट की वजह से क्या होता है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलता है, कॉम्पिटिशन कम हो जाता है, ज़्यादा कॉम्पिटिशन नहीं होता इफेक्टिव अगर डिजाइनिंग रहेगा तो. कॉर्पोरेट इमेज, एक कॉर्पोरेट इमेज बिल्ड होती है. लॉयल कंज्यूमर सेपरेट गुड वर्ड अबाउट द कंपनी. जो कॉर्पोरेट इमेज का भी बिल्ड होगी जब हम लोग बताएंगे कि हाँ मैंने इस कंपनी का मोबाइल लिया, इस कंपनी का ये लिया, टेलीविज़न लिया, सो लाइक बहुत अच्छा वर्क कर रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छे उसके फीचर्स है, ये मैंने डेल का लैपटॉप लिया बहुत अच्छा फीचर्स है, तो उससे क्या होता है कॉर्पोरेट इमेज बिल्ड होता है. लो ऑपरेशनल कॉस्ट, ऑपरेशन कॉस्ट भी कम लगता है अगर हम लोग पहले से डेटा को एनालाइज कर लेते हैं तो. लोअर कंज्यूमर डिफेंस, एम्प्लॉय शो केयर और कंसर्न विद द लॉयल कंज्यूमर. अभी जो मेरे लॉयल कंज्यूमर है, मैंने क्या बोला जो 3 साल से मेरे एलजी के प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं मैं उनको 30% डिस्काउंट दूंगी अपने सारे एलजी के प्रोडक्ट पे, तो वो क्या हो गया उसने क्या किया कंज्यूमर की जो लॉयल्टी थी उसके ऊपर काम किया. प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग हेल्प करता है जो छोटी बहुत प्रॉब्लम होता है उसको दूर करे और उसके बाद वो प्रोडक्ट ताकि मार्केट में चले. प्रोडक्ट प्राइसिंग, राइट प्राइसिंग डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द कंज्यूमर. ए प्राइस, प्रोडक्ट का प्राइसिंग बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है. जस्ट लाइक अभी बिस्किट के प्राइसिंग देखोगे 5 रुपीज़ कितने दिन से चले आ रहे हैं, उसमें क्वांटिटी कम करते जा रहे बट वो लोग प्राइस नहीं कम कर पा रहे क्योंकि जो मार्केट में कंपटीशन है वो बहुत ज़्यादा है 5 रुपीज़ और 10 रुपीज़ को लेके. प्रमोशन स्टेजेस, राइट डिसीजन टू इन प्रमोशन मिक्स. अभी जो भी प्रमोशन चालू होता है एक प्रोडक्ट किसी प्रोडक्ट का प्रमोशन हम करते हैं तो हमारे पास राइट डेटाबेस होना चाहिए कि मतलब इस ग्रुप के लोगों के लिए ये प्रोडक्ट है. दूसरा हमारा जो होता है ये भी होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए कि लाइक इतना प्रमोशन किया कि लाइक वो प्रोडक्ट किसी यूज़ का ही नहीं है, हम लोग प्रमोशन बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, बहुत धड़ल्ले से प्रमोशन कर रहे हैं बट उससे हमको इनकम कुछ आ ही नहीं रही है, तो वो सबको बचाने के लिए भी हमारा बहुत ज़्यादा हेल्प करता है. प्लेस स्ट्रेटेजी हेल्प्स टू डिसाइडिंग द राइट प्लेस टू ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. हेल्प करता है डिसाइड करने में राइट प्लेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन करना है वो. ठीक है, अगर आपको याद करना है ना तो इसको चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले लो और नहीं तो बोलो मैं ग्रुप में अपलोड हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप चैनल है वहाँ पे मैं अपलोड कर दूँगी. कंज्यूमर बिहेवियर, कंज्यूमर बिहेवियर एज अ एक्शन एंड डेडिकेशन टू प्रोसेस द प्रोसेस ऑफ पीपल हु परचेज गुड्स एंड सर्विसेज फॉर अ पर्सनल कंजम्पशन. कंज्यूमर बिहेवियर ऐसा एक्शन और डिसीजन होता है कि एक्शन मतलब कोई भी सामान लेते हैं और उसको यूज़ करते उसको डिसाइड करता है कि हम यही प्रोडक्ट यूज़ करेंगे फॉर दर पर्सनल यूज़, अपने खुद के यूज़ के लिए, अपने पर्सनल कंजप्शन के लिए. फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग कंज्यूमर बिहेवियर, मार्केट फैक्टर, कौन कौन से फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं कंज्यूमर बिहेवियर को, मतलब कि उसके ऊपर कुछ तो बदलाव लाते हैं या फिर बदलाव लाने की कोशिश करते हैं. जैसे टेम्परेचर हम लोग को कैसे इन्फ्लुएंस करता है, टेम्परेचर बढ़ा
टेम्परेचर लो हुआ तो हमें फिर सर्दी होने लग जाती है, टेम्परेचर बढ़ा तो बुखार होने लगता है। वैसे मार्केट में क्या इफेक्ट करता है, कौन कौन से फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं कंज्यूमर बिहेवियर को। पहला है प्रोडक्ट, प्राइसिंग, प्रमोशन और प्लेस। प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब हमारा प्रोडक्ट कितना यूज़फुल आ रहा है नॉर्मल लाइफ में, जो हमारा कंज्यूमर है उसको कितना ज़्यादा प्रोडक्ट यूज़फुल आ रहा है। प्राइसिंग, उसका प्राइस कितना मिनिमल है, मतलब सारे इंडिया या फिर और भी कंट्री में लोग ज़्यादा कर क्या अफोर्ड कर, और ऐसे प्रोडक्ट अफोर्ड करते हैं जो कि थोड़ा कम प्राइस में हो और उसका वो वर्थ ऑफ मनी हो। प्रमोशन, किसी प्रोडक्ट का बहुत ज़्यादा प्रमोशन होता है तो लोग उसको लेने के लिए भी सोचते हैं कि लाइक वो प्रोडक्ट कितना प्रमोशन होता है, मतलब वो कुछ तो अच्छा होगा ना तो प्रमोशन कर रहा है। तो प्लेस, प्लेस भी डिपेंड करता है। अभी आप रेगिस्तान में जाके छतरी बेचोगे तो क्या बिकेगी क्या, वहाँ पानी चाहिए ना, वही बात होती है। प्लेस भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। पर्सनल फैक्टर, कौन कौन से पर्सनल फैक्टर इफेक्ट करते हैं कंज्यूमर बिहेवियर को। एज, जेंडर, एजुकेशन और इनकम। एज, अभी जब छोटे बच्चे हैं उनको लॉलीपॉप चाहिए, कैडबरी चाहिए। जेंडर, अगर गर्ल है तो पिंकिश गुड्स लेगी, पिंक कलर का चाहिए मुझे, बैग भी पिंक चाहिए मुझे, बॉटल भी पिंक चाहिए, एंड मुझे लंच बॉक्स। एजुकेशन, एजुकेशन लेवल पे भी डिपेंड करता है। जैसे अभी हम लोग लास्ट ईयर बीकॉम स्टूडेंट हैं तो हम थोड़ा सा ट्राई करते हैं कि जो हमारे पास सूट करे, हमारे बजट फ्रेंडली हो, वो प्रोडक्ट हम परचेस कर लें। उसके बाद इनकम, जब हम अर्न करने लगेंगे तो हम सोचेंगे कि नहीं अभी थोड़ा सा लेवल अपने को इंक्रीज करने की ज़रूरत है। उसके बाद साइकोलॉजिकल फैक्टर, एटीट्यूड और मोटिव, मतलब एटीट्यूड भी डिपेंड करता है कि लाइक ये कि यही लेना है, और मोटिव मतलब इस मोटिव के लिए लेना, जैसे लाइक हमने टैबलेट ख़रीदा, बोला कि अब हम दिन दोगुनी रात चौगुनी मेहनत करेंगे और सीए बन के दिखाएंगे, ठीक है। तो वो क्या हो गया, हमारा साइकोलॉजिकल फैक्टर हो गया, हमें पता है कि जो भी होगा यही टैबलेट से ही होगा, हमने सोच रखा है, ठीक है। सिचुएशनल फैक्टर, कोई कोई ये होता है कि सिचुएशनल फैक्टर होता है कि लाइक हो रहा है इसलिए हम कर रहे हैं। जैसे साइकोलॉजिकल सराउंडिंग, मतलब जो अगल बगल के चीज़ों को हम देखते हैं उसके हिसाब से हम काम करते हैं, बहुत सारी टाइम यही होता है। जैसे लाइक मेरे घर में अगर सब पढ़ाई कर रहे हैं तो मुझे भी पढ़ाई करनी है वाला। सोशल सराउंडिंग, जो हमारे आसपास के लोग, और फिजिकल सराउंडिंग होता है जो अपने ऊपर, ठीक है। सोशल फैक्टर क्या इफेक्ट डालता है, रेफरेंस ग्रुप और रोल्स ऑफ स्टेज, मतलब कि ग्रुप और जो रोल होता है स्टेज का वो डिपेंड करो। कल्चरल फैक्टर, अभी अलग अलग कल्चर के लोग अलग अलग तरह के प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, जैसे लाइक अगर बिहारियों की ज्वेलरी अलग होती है, यूपी वालों की ज्वेलरी अलग होती है, राजस्थानियों का पोशाक अलग होता है, तो वही वो भी डिपेंड करता है, कल्चर वाइज भी डिपेंड करता है। मार्केट सेगमेंट और उसके आगे के कॉन्सेप्ट बाद में देखेंगे, उसके बाद स्टार्ट करेंगे मॉड्यूल 2, जो कि अपना भी बाकी है, मॉड्यूल 2 बाकी है, और शायद मॉड्यूल 2 हो गया है, मॉड्यूल 3 बाकी है, ठीक है। धीरे धीरे सारे मॉड्यूल पूरे करते हैं, और ये PDF मैं अपलोड कर दूंगी, इसमें मॉड्यूल 4 का PDF नहीं है, सो वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी दूसरे PDF से, ठीक है। और एक अब मैंने चार्ट टाइप का मेरे पास है, मतलब उसमें सारे क्वेश्चन के ऐसे चार्ट फॉर्मेट में दिए हुए हैं, जो कि आपके लिए काफ़ी इजी होगा पढ़ने में और याद रखने में, मैंने उसी से प्रिपरेशन किया था, सो इसलिए मैं आइडिया दे रही हूँ। तो अगर आप उसको, मतलब क्या होता है ना, हम लोग इतना सारा पढ़ने में ना एक ही मॉड्यूल में अटके रह जाते हैं, उसको उसमें क्या है, उसमें सारे मॉड्यूल का कुछ कुछ क्वेश्चन है जो कि तुमको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, और एक दो एडिशनल क्वेश्चन आप लोग खुद से ऐड कर लो उसमें, ठीक है। मतलब 4-5 एडिशनल क्वेश्चन आप खुद ऐड कर लो, उसको प्रिंट आउट करा लो, उसको अच्छे से लर्न कर लो, और पॉइंट आप बना सकते हो क्योंकि बहुत सारे पॉइंट एक जैसे हैं। सो इसके लिए ट्राई कीजिए कि आपका जो एक कॉमर्स का एग्ज़ाम हो वो काफ़ी अच्छा जाए। इसके लिए आप स्टार्ट से प्रिपरेशन नहीं कर पा रहे, सो थोड़ा डिले ही प्रिपरेशन कर रहे हैं, बट पूरा पढ़िए, पूरा वीडियोज़ देखो, समझो, बस समझने में कोई दिक्कत नहीं है ना, थोड़ा समझोगे तो फिर फटाफट लिख सकते हो। और मैं आपको पूरे PDF मेरे टेलीग्राम चैनल पे दे दूँगी।
आपको कोई भी इशू आता है कमेंट करो, मैं हूँ, मैं सॉल्व करूँगी सारे प्रॉब्लम्स, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे विथ मी, और सब्सक्राइब भी करते जाओ यार, मेरे सब्सक्राइबर बढ़ ही नहीं रहे। आई नो।